तो यार काफ़ी लोग का ये डाउट है, ये कन्फ्यूज़न है कि भाई हम तो एग्ज़ाम दे दिया, हमने एग्ज़ाम पास भी कर लिया और हम ग्रेजुएशन पास हो गए या डिप्लोमा पास हो गए, बट यार हमारे पास तो मार्कशीट है ही नहीं, मतलब ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। ओरिजिनल हमारे पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है वो तो है ही नहीं। अगर हमें डीबी में जाना है, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, या अभी जैसे एओसी मटेरियल असिस्टेंट के लिए पहले ही मांगा गया है तो इसमें जाते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर डीबी हो रहा है और अभी हमारे तक आया भी नहीं, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम पास हो गए, रिजल्ट भी अलाउंस हो गया, बट जो ओरिजिनल होती है भाई काफ़ी टाइम लगाते हैं कॉलेज वाले, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी वाले देने के लिए, तो वो तो है ही नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ओरिजिनल हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्या लेके जाएं, क्या नेट वाली कॉपी लेके जाएं तो उससे चल जाएगा? तो इसके बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो यार अगर आप पास हो गए हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ओरिजिनल मिले या ना मिले उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वहाँ पर तो ओरिजिनल मांगा है, आप ये पूछोगे वहाँ पर तो ओरिजिनल मांगा है तो हम क्या नेट वाली लेके जाएं, तो भाई देखो नेट वाली भी ले जाने से काम नहीं होगा, आप नेट का मार्कशीट ले लो क्योंकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगता है, तो आप वहाँ पे मार्कशीट डाउनलोड कर लो, आपने कर ही लिया होगा। आपको अपने कॉलेज जाना है, वहाँ पे भाई साइन मोहर प्रिंसिपल वगैरह का, कॉलेज का स्टैंप वगैरह जितना भी होता है आपको सब वहाँ पे मरवा लेना है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये जो चीज़ है ना भाई ये इसीलिए बनाई है कि जब तक भाई आपको आपका जो बोर्ड है, जैसे जो भी बोर्ड है जिसने आपका जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी करवा रखा है, वो जब तक आपको भेज नहीं देता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट या मार्कशीट, तब तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप हर जगह लगा सकते हो, चाहे आपका कहीं भी गवर्नमेंट जॉब निकल जाए या कहीं भी डीबी हो रहा है किसी भी तरह का, अगर वहाँ पे ओरिजिनल मांगा जा रहा है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने कॉलेज जाओ, उसको उनको बोलो, लेटर लिख के लेते हैं लोग, मतलब आपके किस पर्पज़ के लिए चाहिए आप लिख लो, दे दो, वो लोग आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलाउ कर देंगे, लिख के दे देंगे, और आप प्रिंसिपल का कॉलेज का मोहर साइन वगैरह सब कुछ रहता है, उसी टाइम में आपको मार्कशीट के साथ भी ऐसा काम करना, मार्कशीट भी आप डाउनलोड करो, उस पर कॉलेज का मतलब कॉलेज से प्रमाणित करवा लो कि भाई ये जेन्युइन है, कॉलेज एक बार प्रमाणित कर दिया, प्रिंसिपल एक बार साइन कर दिया, मोहर लग गया, उसके बाद वो एज ए ओरिजिनल ही होता है, आप कहीं भी डीबी हो कुछ भी हो आप जा सकते हो। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे भाई अभी देखो 5 तारीख को होने वाला है, या काफ़ी कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है तो डीबी अगर होने वाला है और हमारा तो आया ही नहीं, अब हम क्या करें, 5-5, 6-6 महीने नहीं आता और भी टाइम लगा जाता, तो क्या करें हम, कुछ नहीं, प्रोविजनल बनवा लो, उसके बाद मार्कशीट पे आप प्रमाणित करवा लो, जो मार्कशीट है उस पे प्रमाणित करवा लो, और सर्टिफिकेट के लिए प्रोविजनल बनवा लो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड है, हर जगह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल ही होता है, लिखेगा तो भाई ओरिजिनल ही चाहिए हमें ना, ओरिजिनल में वही ओरिजिनल नहीं होता, ये भी बनवा लोगे तो ये भी काम कर जाएगा, आपको कोई भी ऐसे मतलब ऐसे भगाएगा नहीं कि भाई गलत है ये है, कई जगह ऐसा हुआ है वो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न थी, आपको और भी कुछ पूछना है भाई तुम्हारा भाई हाजिर है यार, पूछ लिया करो बिंदास, मैं बताने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे। तो मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजबल वीडियो के साथ।